यही माई एक्सपीरियंस वॉज ग्रेट. आई एम सो ग्लैड कि हमें मौका मिला जाने के लिए, बिकॉज यू नो वी हैवन सीन केवी इन सो लॉन्ग, स्पेशली बेबीज. सो आई एम ग्लैड दैट बिग बॉस ने हमें बुलाया वहाँ, एंड वी गॉट अ चांस टू बी इन देयर, एंड इट वॉज नाइस. इट वॉज नाइस टू सी द हाउस फॉर रियल. यू नो हम सिर्फ टी वी पर देखते हैं, टू सी इट इन रियल लाइफ इज वाओ. एंड मैं बच्चे भी ऐसे थे लाइक वाओ बिग बॉस. So it was great. It was, Bella and Vyana kafi emotional ho gaye the dad ko chhodte waqt. Oh, even wahan par jab room mein gaye the bedroom mein to kafi masti bhi kar rahe the. Wo bahut zyada emotional ho gaye, like such mein bahut zyada. They were just bahut overwhelmed ho gaye the ki you know this is where our dad is staying and why can't he come home with us and chhod ke kyon jaye. उनको छोड़ना नहीं चाहते थे. सो यू नो इट वॉज रियली डिफिकल्ट फॉर देम बिकॉज वो बेबी से उनको ये समझ नहीं है कि ये शो है या शूट है और डैड क्या करे यहाँ, क्यों नहीं लेके जा सकते. बहुत सारे उनके आई थिंक मन में सवाल थे जो यू नो विच हाउ डू यू आंसर दम, यू कैंट. एंड सो मुझे नहीं लगा था कि इतने इमोशनल हो जाएंगे, बट दे रियली डिडंट वांट टू लीव. एंड बहुत टाइम तक बाहर जाके भी रो रहे थे, जब तक वो प्रोडक्शन वालों को बाहर आना पड़ा. एंड वो कह रहे वो जब घर के अंदर सदस्य जो है उनको भी सुनाई दे रहा कि डैड डैड अभी तक बच्चे कर रहे हैं. और बेला तो उनको लगता है कि ये शो बिग बॉस है, लेकिन सलमान खान को देखते हैं सो उनको लगता है ये सलमान खान का घर है और उनको अंदर वापस जाना ही था. जो डैड 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 सलमान खान हेल्प. सो और प्रोडक्शन वाले कह रहे डिड शी जस्ट आस्क सलमान खान फॉर हेल्प. आई सेड यस. यू नो इफ दे वांट देयर लोग कहेंगे कि यू नो बच्चों को सिखा रहे. And I swear, it just came out of her, on her own. That was the best. You know, people pray to God, and she's asking Salman, please help, take me back inside. She wanted to go back inside the house, and it was really hard for them. Okay, Tija, after going to your house, many audiences were expecting that you would give a contestant some advice. Like every family member has given advice to contestants. तो आपने किसी को भी एडवाइस दी थी एक्सेप्ट रोहित? रोहित को बोला आप बहुत ज़्यादा जब कंट्रोल नहीं कर पाते तो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है. या सो व्हाई नॉट दैट? बिकॉज यू नो मैं अपनी भड़ास निकालने के लिए नहीं गई थी वहाँ. आई ऑल्सो फील दैट इतना सारा कुछ हो रहा है घर के अंदर, सब लड़ रहे झगड़ रहे दूसरे के साथ, और सलमान खान भी उनकी क्लास लेते हैं हर वीकेंड के वार पर, और ऊपर से मैं जाऊंगी और कुछ बोलूंगी, वो बेचारे थक चुके हैं सब कुछ सुन सुन के. आपकी कमी क्या है, व्हाट आर योर फॉल्ट्स, व्हाट आर योर मिस्टेक्स, इट्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन. सो आई जस्ट थॉट दैट अगर मैं जाऊंगी मैं थोड़ा कुछ पॉजिटिव छोड़ना चाहूंगी सब लोगों के साथ. और मैंने रोहित को ये बोला है कि टू मी ही इज़ लाइक एन इरिटेटिंग लिटिल ब्रदर, यू नो जो कुछ भी बोल देते, बट आई थिंक ही डज इट टू इरिटेट नॉट टू हर्ट. So, you know, I just told him to, you know, just kind of calm down a little bit. The same way I would tell my two little brothers, jaise saalon se karte aaye, then aisa, you know, aisa behave mat karo. So that was all there was. But even then, and I told him otherwise, you're so cute. And वैसे भी मुझे प्यारा लगता है, but ये थोड़ा है तो थोड़ा fix कर लो. और मैंने सबके, you know, when I went into the house, मैंने ये बात भी देखी है कि everybody has been kind to Kavi at some point in the show, and that's what I remember. So jab main dekhti hu, I don't see what is someone's mistake, I see what is something good that they did, because as human beings, you know, that's what that's how I am. I don't like to bring people down, I don't like to tell them where they're going wrong. Unke liye unki families hai, bahut sare log hai jo unko samjhayenge that this is what you need to fix, this is what you need to do. Main kisi ko fix karne nahi gayi, you know. Agar mujhe वैसे भी अगर मुझे किसी की कमेंट, किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, ऐसा नहीं कि मुझे इंसान बुरा लग रहा है. आई डोंट बिलीव इन द वर्स्ट ऑफ एनीबॉडी, और कोई इंसान बुरा नहीं है मेरे हिसाब से. सो आई, दैट्स नॉट मी, आई कुड नॉट गो इन टू द हाउस विद दैट. एंड मैं और मेरे बच्चे गए हैं, यू नो आई वॉन्ट टू बी अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस के वी केम इन टू द हाउस एंड वी लेफ्ट इट हैप्पियर बिकॉज वी वर देयर. मैं नहीं चाहती कि लोग याद करें कि वो टीजे आई थी, उसने मुझे ऐसा बोला वैसा बोला. I just can't do that. Acha KB aur Shishan ke dosti ke bare mein kya kehna chahoge? Pehle wo bahut acche friends the aur abhi aisa lag raha hai. KB aur Shri dono bahut hi emotional hai. You know, KB Shri ke bare mein baat karta hai, Shri KB ke bare mein baat karta hai. Agar ek dusre ki baat nahi karte, then that means they don't care about each other.
पर ये ऐसी बातें चल रही, दैट मीन्स दे डू हैव सम काइंड ऑफ इमोशन फॉर ईच अदर। एंड आई थिंक दो जैसे प्लेग्राउंड में जो बच्चे लड़ते फिर बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते, फिर लड़ते फिर बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते, ये ऐसा मैं देखती आई हूँ। एंड आई एम श्योर के बाई द एंड ऑफ द शो एवरी थिंग विल बी ओके विद देम अगेन। अभी हर सदस्य प्रेशर में है, यू नो इट्स अ रियली डिफिकल्ट सिचुएशन टू बी इन अ हाउस फॉर सो लॉन्ग। सो I can appreciate that everybody has stayed in the house for so long. So that way I feel proud of everybody that, you know, they're doing their very, very best. And at this point, I can't judge anybody. You know, jab ghar ke baar aayenge, puchenge, ye kyon bola tha, ye kyon hua tha, then we can ask all our questions. But right now, everybody just needs love and support, and that's all I can give them right now. Aur aap Shree ke wife se bhi mile the, to kya kuch baatein mujhe agar aap batana chahoge? वो हम पैनल डिस्कशन के लिए आए थे, और जब फैमिली विजिट्स के टाइम हम नहीं मिले थे क्योंकि उनका विजिट एक दिन पहले हुआ था एंड मेरा बाद में। बट यू नो व्हाट, शी इज़ समबडी जस्ट लाइक मी, शी इज़ यू नो देयर, शी इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट बिकॉज ऑफ द शो। वी यू नो वी ईच हैव टू हैंडल सो मच। समवन वी लव इज़ इन द शो, देयर बीइंग ट्रीटेड इन अ वे, और समवन इज़ स्पीकिंग टू हिम इन अ वे दैट वी डोंट लाइक, it's hard to see, it's hurtful to see. So I can empathize with her what she's going through. We are both going through the same thing. Okay, jaate jaate aapne ek baat aur Shree se kahi ki aap dono ka KP ko aur aapka bhale hi kuch bhi hai bahar aake sab kuch sort ho jayega. Of course, because you know me and Bhuvnesh, we're responsible, mature, you know, women. We know sometimes boys get into these fights and these chuckers, but you know, I think that we are more sensible. I will give both of us that credit. That, you know, we know what's best. And हमारे बच्चे भी दोस्त हैं. You know, the first opening day of the shoot, वो मिले थे, शी के बच्चे बेला वियाना को मिले थे, और शी की बेटी ने बेला वियाना को कोचिंग में इन्वाइट भी किया था कि आप आ जाए. So, you know, बच्चों की अलग रिलेशन है, मेरी और भुवनेश्वरी की अलग रिलेशन है, के वी श्री की अलग. So we have three separate equations happening. And you know what, as a wife, it's always your job to take care and manage and do so much. So whatever they're doing in the show, when they come out, we will speak to them. Okay, Tija, aapse janna chahiye, kafi baatein chal rahi hai ki like Deepika aur Karan Veer saath mein nahi khel rahe, jiski wajah se aap aur Shoaib dono naraaz hai, aur aap dono mein ye baat hui hai ki aap Deepika aur Karan Veer ka alag alag hai, to ye acha nahi hai Shree ke saath Deepika ke liye, kya aisi kuch baat hui hai, ye rumor hai? ऐसी कोई बात नहीं, मेरे एक्चुअली बाहर मेरे सबके साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, और मैंने शोएब से ये बात भी की थी कि मैंने बोला कि बहुत ही अच्छा कि दीपिका ने केवी को खाना बनाना सिखाया, मेरी किचन में थोड़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि अभी तक वो जो सिर्फ करते बच्चों को खाना बनाते, पैनकेक्स बनाते, उनके लिए एग्स बनाते, ओटमील बनाते, अभी पराठे बनाने हैं, वेरी गुड। सो मैंने शोएब को ये बात बताई थी, एंड वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंसिडेंट, जब केवी कह रहा देखो ये पराठे इतने अच्छे बने, जल भी नहीं रहे थे, एंड जल भी नहीं रहे, एंड दीपिका ने बोला कैसे चलेगी जब गैस तो ऑन ही नहीं किया, और शोएब ने बोला इतनी कुकिंग तो मुझे आती है, मैं भी हमारी पॉम में यही है, कुकिंग बहुत अच्छे करते हैं बट गैस नहीं ऑन करते हम। सो वी मी एंड शोएब हैव अ ग्रेट इक्वेशन, मैं उनके लिए रीट्वीट करती हूँ, एंड दैट वे यू नो इट्स देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग एट ऑल। और मेरा ऐसा कोई है, आई एम वेरी फोर्थराइट, इफ समथिंग इज रॉन्ग आई विल फिक्स इट, अगर ऐसा कुछ है आई विल से यू नो आई डोंट अग्री विद दैट। Shoaib has not said anything wrong, he's not done anything wrong. You know, he's the same as everybody else. We are all outside just waiting for our families to come home. Mera jo Shristi ka fiance, unke saath bhi acha relation pehle bhi tha, abhi bhi hai. And you know, jo bhi show se bahar hota hai, hame milne ke liye aate hai ghar pe. So that is because we are doing something right, that we are not being judgmental to that level where we break relations. I'm not like that. Okay, ghar se bahar ab tak jitne bhi log aaye hain aapse milne aaye hain, so kya kuch वो वो बस वो ही कह रहे कि जस्ट टेल शी आई मिस हर एंड आई लव हर सो मच, एंड दैट आई नो वो मुझे पता है, बट ऑल्सो यू नो ऑन टी वी समटाइम्स द क्लिप्स वेयर ही यू नो, एक बार मैंने देखा शाह जो मेरी परफ्यूम लगा रहे हैं, एंड उसने बोला मुझे लगा टीजे आस पास ही है, सो एंड ही सेड ही लव्स मी, सो आई सी दैट एंड आई रियली अप्रिशिएट, एंड जो मैसेजेस ये लोग बाहर लेके आ रहे हैं, I love that too. It means so much because I know that, you know, on some level that what he and I have, that relation, that love is keeping him strong inside the house. Okay, KV ke group badalne ke baad, as in happy club mein jaane ke baad, kahin na kahin aisa lag raha hai ki KV kahin nahi dikh rahe hai.
क्योंकि वो हर वक्त सुरभि को या दीपक को चांस देते नजर आए. सो व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट कि वो श्रीशांत और दीपिका के साथ रहने चाहिए थे या ये यहाँ पर आके गलत किए थे समथिंग लाइक दैट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. यू नो व्हेन यू आर इन द हाउस you need to have friends in the house, you need people who are supporting you, and they do on some level. They, you know, Surbhi, they do support him, but still everyone is playing for themselves, you know. They're thinking it's a game, it's a contest. So I think what is happening is KV is in a group, he is helping his group, but now he needs to actually help himself. So that's the only advice that I would have. And I feel that because of KV, you know, maybe Rohit Surbhi can also be better people, you know. Wo bhi maine KV ko samjhate hue dekha when he's telling Surbhi ke you know, aap line cross kar lete. You need to know your limits. You have to stay within your limits. So hopefully because of KV, they can be better people. Acha, aapne Big Boss ko ek open letter bhi likha tha. Kya tha wo open letter ki kahani agar aap usko? Wo letter mein to likha hi tha. So abhi kya main baat karun ki kya tha? Big Boss mein bhi milkar hai, unki team se milkar hai, Salman ji se bhi milkar hai. To kya kuch? Team to nahi mili, main to interaction ke liye gayi thi. Yeah, we didn't discuss open letter. They already dealt with it. It already finished. So, and everything is okay. We are all buddies. Yeah, but KV ne aapke behalf par sorry bhi bola. So what of course, your because you know, on that? I have no reaction because KV ne jo bola, you know, he doesn't know what's happening in the outside. So he's not read the letter also. Unko kya pata hai? Agar dekha jaye, maine bola tha ki Romil ko bachche ki milne ka mauka mila. He met his wife and his son. Shri also has children. KV has children. We would also like to go inside and see our family. So. ये बात किसने तो उठाई नहीं. दैट आल्सो एंड अगर केवी ने आई एम श्योर दैट इफ ही सॉ दैट ही विल से या यू नो आई वुड आल्सो लाइक अ फेयर चांस. इफ यू वुड आस्क श्री दैट ही वुड आल्सो से द सेम थिंग. आई वुड आल्सो लाइक टू सी माय चिल्ड्रन, यू नो. सो दोस थिंग्स आर फेयर एंड सो केवी कैन रिएक्ट ऑन समथिंग दैट ही डजंट नो. ओके, लास्ट आपके जो मैसेज देने के बाद आपने कहा ग्रुपिज्म इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपने ये कहा केवी से. सो अभी क्या लगता है केवी किस तरह प्ले करेंगे? आई डोंट नो हाउ ही विल प्ले. मैं देखूंगी. अभी दो तीन हफ्ते हैं बच्चे. सो ही इज़ गॉट टू आई थिंक ही शुड बी अ लिटिल मोर इंडिपेंडेंट. या व्हेन ही इज़ बाय हिमसेल्फ ही इज़ वेरी स्ट्रांग. सो दैट वाज माय एडवाइस टू हिम. आई होप ही टेक्स इट. अच्छा, आपको क्या लगता है कि बिग बॉस के घर में कौन सबसे फेक है और कौन सबसे रियल अभी खेलता है? यू नो, अभी तक अगर कोई फेक होता तो दिख जाते कि चेंजेस चेंज जाते. ड्रामेबाज आई डोंट यू नो देयर एवरीवन इज डूइंग देयर बेस्ट टू प्ले गुड गेम. ड्रामेबाज आई वुड से दीपक बहुत कोशिश करता है. यू नो ही एंड ही इज एंड ही डज ट्राई टू डू अ लॉट ऑफ ड्रामा आई फील. बट अगेन आई एम सीइंग हिम एज अ कंटेस्टेंट. एंड एज अ कंटेस्टेंट सब अपनी मेहनत अपना दिमाग यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग. बट आई जस्ट होप दैट दे डोंट मेक थिंग्स अगली. आई होप दे डोंट फाइट सो मच. आई होप दे रिमेंबर दैट दिस इज जस्ट a game after all. It's a TV show. 3 hafte ke baad sab kuch khatam ho jayega. So try to play a good game, but play a fair game, play a clean game. Lastly, message to your fans. I just want to tell the fans, thank you so much for loving me and supporting me also, because even though I'm not a contestant, you guys have been supporting me so much and it means a lot to me. Thank you of course for supporting KV. Itna sara pyar aap log KV ko diya hai, you know, whether it's as an actor, as a father, now as a Big Boss contestant. And I love you and I thank you for supporting his journey. You know, there's been struggles, there's been ups, there's been downs, but he's emerging, coming through everything with so much grace. And I'm so, so proud of him. And I know that he will continue making you proud of him also. So from my heart, thank you. Thank you, ma'am. Thank you.